हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनूज होमग्राउंड। तो फ्रेंड्स, आज हम सरसों और पालक का साग बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने 1 केजी क्वांटिटी के हिसाब से सरसों और पालक को ले लिया है। और देखिए, यहाँ पर हम दरांत से जो मम्मी के टाइम में यूज़ होता था उससे काट रहे हैं, और यहाँ पर चाकू के साथ हम कट कर रहे हैं। तो जो भी आपके पास हो उसी से आप साग को काट सकते हैं। फ्रेंड्स, हम यूपी स्टाइल साग बना रहे हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, तो आप भी ट्राई कीजिएगा ज़रूर। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो सरसों, पालक, मेथी और बथुआ चारों का साग भी बना सकते हैं, और हम इन दो के साथ ही साग बना रहे हैं। तो अभी देखिए, यहाँ पर हम इस साग को लगभग 4 से 5 बार पानी बदल कर धो लेंगे, जिससे कि इसका किसकिसापन या इसमें जो भी डस्ट वगैरह लगी हुई होती है वो सारी बाहर निकल जाए। तो अभी हम इसको इसी तरह से बार बार धोते रहेंगे, हमें 4 से 5 इसे ज़रूर धोना है। और देखिए, अभी हम फाइनली इसे कुकर में चढ़ा देंगे। तो कुकर में हम इसे लगभग 1/2 ग्लास पानी के साथ 5 से 6 सीटी लगाकर उबाल लेंगे। तो अभी देखिए, हमारा साग यहाँ पर उबल चुका है, और अब हम इसका जो इसमें जो नीचे पानी निकला था उसको निकाल देंगे, और इसको इस तरह से थोड़ा सा ये जो मैसर है इसके साथ घोट लेंगे। अभी हमने इसमें नमक डाला, मिर्च डाली और थोड़ी सी हींग डालेंगे, थोड़ा सा सूखा धनिया। सूखा धनिया ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, चाहें तो नहीं डाल सकते हैं। और इसमें हम 2-3 हरी मिर्च डालेंगे और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, और इन सारी चीज़ों को डालकर मक्खन डालकर उबाल लेंगे। तो देखिए कितना स्मूथ और कितना अच्छा दिख रहा है। तो अभी हम इसमें बेसन का या मक्के का आटा, जो भी आपके पास हो, उसका पेस्ट बनाकर डालेंगे। इसे हम आलन भी बोलते हैं, तो हम साग में आलन लगाएंगे। तो इसके लिए हम इसे थोड़ा इस तरह का पतला पेस्ट बनाएंगे, और साग में जो हमने उबाला हुआ साग है, 1 उबाल आने के बाद हमने इसमें इसको अच्छे से मिला देना है। तो अभी देखिए, इस तरह से मिला दिया, और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए और इसे लगातार चलाते हुए 1 उबाल आने तक तेज गैस तक जल्दी जल्दी चलाते रहेंगे। तो अभी हमने इसमें देखिए थोड़ा सा मक्खन डाल दिया है, इससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाता है। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, चाहें तो ना स्किप कर दें। तो अभी हम इसे 1 उबाल आने के बाद लगभग 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से उबाल लेंगे। और देखिए, यहाँ मैंने तड़के के लिए ऑयल, सरसों का तेल गर्म किया है, तो आप चाहें तो घी में भी तड़का लगा सकते हैं। और लहसुन मैंने यहाँ पर 1 चम्मच डाला है, और 2 सूखी लाल मिर्च डाली हैं। तो अभी देखिए, गोल्डन ब्राउन होने लगी हैं। तो अभी हम इसमें डाल देंगे थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ी सी हींग डालकर सारे साग को इस तड़के में डाल देंगे। साग बनाते टाइम और तड़का लगाते टाइम हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि ये उछलता बहुत है और हाथ जलने का डर रहता है। तो देखिए, साग हमारा बनकर कितना सुंदर तैयार हो गया है, और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो आप भी अपने घर पर ट्राई कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।